हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज थोड़ा सा अनबॉक्सिंग टाइप वीडियो होने वाला है। जो चीज़ हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज, वो हम लोगों का ट्रैवल जर्नी में बहुत यूज़फुल होगा। अभी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, बट आप लोग सोच लो, आज आउट फॉर डिलीवरी हो गया है तो किसी भी वक्त आ सकता है। जब तक पार्सल आता है आप लोग गेस करते रहो। ये रहा मेरा पार्सल, आ चुका है। मैं ऑर्डर किया था डिकैथलॉन का वेबसाइट से और प्रोडक्ट मैं रिसीव कर लिया हूँ। अभी इसको खोल के देखते हैं अंदर क्या है। आप लोगों को तो मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ उसके बाद बताऊँगा क्या है। इसका तो अनबॉक्सिंग मैं कर लिया, आप लोगों को तो पता चल गया है ये टेंट है। अभी मैं इसको यहाँ पे असेंबल करूँगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, तो फिर मैं रेडी हो गया हूँ और इसको लेके चलता हूँ। अच्छा सा जगह जाके इसको असेंबल करेंगे और थोड़ा सा टेंट का मज़ा लेंगे। और ये है मेरे भांजा, इनको भी ब्लॉग बनाने का बहुत शौक है। कुछ बोल दो। हाय, अभी हम जा रहे कैंपिंग करने के लिए, तो फिर चलो चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जो जगह पे हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। यह राज के साथ आया हूँ, तो सोच रहे हैं यहाँ पे टेंट लगाएंगे बोल के, बट चारों तरफ का व्यू भी देख लो, अब फिर टेंट के बाद देखना व्यू। हाँ, आप सभी में से जो कोई भी ढुलकेन वाटरफॉल वाला ब्लॉग देखा है तो उन लोगों को पता चल ही गया होगा ये कौन सा जगह है बोल के। तो फिर यहाँ पे टेंट लगाते हैं। मैं तो घर में थोड़ा सा खोल के देख चुका हूँ, ये इसमें से निकालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो नीचे वाला पोर्शन डाल दिए हैं, नीचे से जो पत्थर वगैरह था वो सब निकाल। अंधा का लकड़ी देखो। हाँ, ये अंधा का लकड़ी, ये जो है इसको आप लोगों को ऐसे करना है, इसको ऐसे घुसा के। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंट का, टेंट का पिलर है। हाँ, खम्बा पकड़ो। पिलर अच्छा नहीं होगा तो कैसे नहीं, रात में सोएंगे अगर गिर गुर गया तो टेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। हम ये असेंबल करते हैं, आप लोग देखो और सीखो थोड़ा सा। और ये है वाटरप्रूफ कवर हमारे टेंट के लिए, और डिकैथलॉन का जितना भी टेंट है सभी में ये आप लोगों को वाटरप्रूफ कवर मिल जाता है। जो कैंप का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे एक तो लगाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ये थोड़ा सा टाइट रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, एक चारों कॉर्नर में चार और ये दोनों साइड, और ये एक मिला के सात, ऐसा सात मिला है वही लगाने के लिए। एंट्री करके अंदर से आप लोगों कैसा है दिखाते हैं। ये 2% वाला टेंट है तो जगह सफिशिएंट है दो लोगों के लिए, आराम से मैं और इधर राज एंजॉय कर सकते हैं सो के। बट हम लोगों को एक्स्ट्रा एक लेना पड़ेगा स्लीपिंग बैग, नहीं तो योगा मैट जो आता है वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और योगा मैट लेंगे तो उसके साथ हम लोगों को एक कैरी करना पड़ेगा चादर वगैरह ओढ़ने के लिए, नहीं तो स्लीपिंग बैग एक ले जाएंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। क्या बोलते हो राज? एक नंबर है, मेरा मुंह बंद हो गया देख के टेंट इतना अच्छा है। और यहाँ पे लाइट, रात के टाइम लाइट लगवाने के लिए यहाँ पे है ये, और कुछ कपड़ा वगैरह रखने के लिए ये हैंगर टाइप है। समर टाइम में हम लोग कैंपिंग करेंगे तो ऊपर का तो निकाल लेंगे, तो ये एयर पास के लिए है ये एक और ये एक। यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, हम लोग गजब जगह है, पूरा गजब जगह है देखो अच्छे से, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो हम लोग सोच रहे हैं कभी एक बार यहाँ पे कैंपिंग जरूर करेंगे, बोनफायर होगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो ब्लॉगिंग कर, मैं सो क्या था अंदर से। थोड़ा सा बोनफायर होगा यहाँ पे, और दो लोग तो नहीं तीन जन होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या बोलते राज? अगर कोई सब्सक्राइबर इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करना। हाँ, बात तो सुन लिए, तो ये वीडियो में कमेंट करो किसको हम लोगों के साथ आना है, हम लोग जरूर लेके आएंगे उसको। बट हम वो संबलपुर का होना चाहिए। हाँ भाई,
पॉइंट टू बी नोटेड। आप लोग भी कभी कैंपिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आना, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ से देखो और थोड़ा सा नेचर को फील करो। वाओ, अभी हम टेंट क्लोज वगैरह कर लिए, आप लोग तो टाइम लैप्स में देख लिए हैं, और यहाँ से निकल रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा कायम है। शक्तिमान राज मेरा फ्लैश से लाइट दिखा रहे हैं और मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अभी चलते हैं रिटर्न वापस हम्बलपुर। और जिन लोगों को पता नहीं है ये कौन सा जगह है, आप लोगों को बता देता हूँ, ये बर्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाता है और ये गाँव का नाम है नूनभेट। तो कैंपिंग करने के लिए इधर आ रहे हो, कचरा मत फैलाना भाई, उतना रिक्वेस्ट है बस। तो अभी चलते हैं हम लोग संबलपुर वापस। तो संबलपुर पहुँच के फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। बर्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम लोग अभी रिटर्न आके एठापल्ली में रुक के डोमिनोज खाए थोड़ा सा, मस्त लगा पड़ा। और ये कैंप का प्राइस पड़ा हम लोग को 2250। और प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है टेंट। बाकी सब टेंट देखोगे जो अमेजोन फ्लिपकार्ट में आता है 1000 रुपये, वो उतना अच्छा नहीं रहता है, ये बेस्ट है। आज का वीडियो में इतना ही था, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय मां सोमले, टिल देन ओके बाय।